त्रिपुरा गवर्नमेंट 2018 में जब यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए तब से जनकल्याण मुखी बहुत सारा डिसीजन हम लोग लिए। अभी हमारा त्रिपुरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, हम लोग का गवर्नमेंट आने का पहले हम लोग विजन डॉक्यूमेंट्स में हम लोग कहा कि सेवन पे कमीशन हम इन लोगों के लिए देंगे, तो सेवन पे कमीशन हम लोग लागू किए हैं। तो उसके बाद 3% हम लोग डीआर वो भी हम लोग बढ़ाए थे। 3% देने के बाद फिर अभी कुछ दिन पहले 5% डीआर दिए थे। तो अभी मैं बहुत खुश हूं कि आज 12% डीए और डीआर इन लोगों के लिए बढ़ाया मैंने, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना हिम्मत चाहिए। तो हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह मार्गदर्शन हम लोग को देते हैं उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। मैं और मेरा जो कोलीग है हम लोग मिलके ये सब डिसीजन लिए हैं सरकार की तरफ से, आज 12% इनका डीए बढ़ाए। तो उससे अभी जो है ये 20% हो गया अभी टोटल डीए, तो काफी कम हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है 38%, उसका तो डिफरेंस काफी कम हो गया। तो ये मेरे ख्याल से ये 1 जनवरी से ये इनका जो दिसंबर का जो तनख्वाह है इनके साथ, मतलब दिसंबर से ये 2022 दिसंबर उससे इफेक्ट हमने दिए, तो एक तरीके से तनख्वाह के साथ ये मिलेगा। पेंशनर जो है इनके साथ ये भी ये मिलेगा भैया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हिम्मत चाहिए हमारा, तो ये हम लोग किए हैं। और इससे हमारा जो है टोटल 1,04,600 रेगुलर एम्प्लॉइज और उसके बाद 80,800 पेंशनर और उनका फैमिली जो है फैमिली पेंशन वो भी उसमें कवर अप होगा।